પ્રધાનમંત્રીએ અમદાવાદના બોપલ ખાતે ઇન્ડિયન નેશનલ સેન્ટર ફોર સ્પેસ પ્રમોશન એન્ડ ઓથોરાઇઝેશન એટલે કે ઇન સ્પેસના મુખ્યાલયનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે ઇસરો અને ખાનગી કંપનીઓ વચ્ચે 8 પેલોડ અને 2 વેહિકલ લોન્ચ સહિત કુલ 10 એમઓયુનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીએ ટેક લેબનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ઇન સ્પેસની સ્થાપનાની જાહેરાત જૂન 2020ના રોજ કરવામાં આવી હતી. आ एजेंसी सरकारी और खानगी एम बने संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधिओं प्रचार प्रोत्साहन और विनियमन माटे एक स्वायत्त संस्था और स्वतंत्र नोडल एजेंसी तरीके काम करशे। आ एजेंसी मार्फते खानगी कंपनीओ पण एरोस्पेसनी जरूरी साधन सामग्री तेमज सॉफ्टवेरनो उपयोग करी शकशे तेमज इसरोनुं मार्गदर्शन पण मेळवी शकशे। आ एजेंसी ने पगले अवकाश क्षेत्रे काम करती खानगी कंपनीओं ने आगळ वधवा माटे प्रोत्साहन मळशे अने देशना तेजस्वी युवानो माटे तकोना नवा मार्गो खुलशे। आज प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। हमारी कोशिश है कि हम भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएं, ताकि देश का प्राइवेट सेक्टर देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग में उतनी ही मदद करें। साथियों, यहां आने से पहले अभी मैं इन स्पेस की टेक्निकल लैब और क्लीन रूम भी देख रहा था। यहां सैटेलाइट के डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए आधुनिक उपकरण भारतीय कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगे। यहां और भी कई आधुनिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे जो स्पेस इंडस्ट्री का सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा। और आज मोदी जी ने ये जो इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, वो अंतरिक्ष के लिए, हमारे लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की बहुत सारी संभावनाओं को तराशने का और उसको जमीन पर उतारने का माध्यम बनने वाली है। 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म कर रहा है, उसका मूल आधार मोदी जी की भारत के लोगों की क्षमता पर अटूट विश्वास है। मित्रों, आज मैं कोई अतिशयोक्ति के बगैर कहना चाहता हूं, मैं अभी 13 स्टार्टअप के स्टॉल को देखकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये छोटा सा दिखाई पड़ने वाला कार्यक्रम भारत को स्पेस के क्षेत्र में जायंट बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम सिद्ध होने वाला है। इसरो और अहमदाबाद ने जूनो संबंध है। इसरो की स्थापना में अहमदाबाद और अहमदाबादी एवं डॉक्टर विक्रम साराभाई की महत्वनी भूमिका थी। अहमदाबाद एक तो विस्तार तो आज पण सैटेलाइट एरिया तरीके आजे ओळखाय छे। इसरोनी शुरुआत डॉक्टर साराभाई अमदावाद में स्थापेला एक सेंटर थी करी हती। आजे इसरो विश्व विकास संस्था बनी गई है। वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदीजीना दृष्टिवंत नेतृत्व में इसरोए नवा आयामों सर कर्या छे। इन स्पेस हेडक्वार्टर कार्यरत करावीने आदरणीय वडाप्रधाने अवकाशी शोध संशोधनना द्वार प्राइवेट प्लेयर्स माटे खोली आप्या छे। अवकाशी विज्ञान में रुचि धरावता विद्यार्थीओ, शिक्षकों, खानगी कंपनीओं के उद्योगों हवे इसरो साथे भागीदारी में स्पेस प्रोजेक्ट करी शकशे। बोपलनुं आ इन स्पेस हेडक्वार्टर सिंगल विंडो क्लियरंस आपती नोडल एजेंसी तरीके काम करशे।